अनलॉक वन ने पूरे देश में खुल रहे धार्मिक स्थलों के दौरान सोमवार को गोरक्षपीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गुरु गोरखनाथ महाराज की वैदिक मंत्रोच्चार का पूजा अर्चना की और अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर जाकर उनका आशीर्वाद लिया। पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गौरतलब है कि 80 दिन बाद सोमवार से मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। अभी तक मंदिर में इक्का दुक्का श्रद्धालु ही पहुंचे थे। मंदिर में दर्शन के पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि दर्शन पूजन के दौरान हर हाल में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। गेट पर पुलिसकर्मी दर्शनार्थियों का स्कैनर मशीन से थर्मल स्कैनिंग करके ही श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश करा रहे थे। मास्क लगे होने के बावजूद श्रद्धालुओं की आवक एक बार फिर शुरू होने को लेकर खुशी साफ नजर आ रही थी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दर्शन करने आए श्रद्धालुओं और मंदिर के मुख्य पुजारी कमलनाथ योगी ने कहा, देवी। आप कहाँ से आई हैं? तुरा बगिया से पूजा करने।
इतने दिन बाद मंदिर खुला है, हाँ। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है लता अग्रवाल, बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन हो गया? बहुत अच्छी थी, क्योंकि बहुत मान्यता है। हाँ, बहुत मान्यता है। कितने दिन बाद आप? मैं 3 महीने बाद आ रही हूँ। मनोज शर्मा, कहाँ से आए हैं? गायत्रीपुरम कॉलोनी से। बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे बड़ी जी सर दर्शन करके आए हैं परम पूज्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी के घर पे, उनके श्री गोरखनाथ गोरखपीठ का दर्शन करके हमको बहुत अच्छा लगा। और बच्चे का हमारे मुंडन था, तो मुंडन नियम के अनुसार हमने समय से पहले करा दिया और बाल नहीं चढ़ा पाए, तो यहाँ पे हमारी एक बाल देवी हैं पुरखों की, जिनका जो है बच्चे का मुंडन के बाद जो है बाल यहीं पर चढ़ाया जाता है, तो वो हम आज जो है लॉकडाउन खुलने के बाद तुरंत लेके आए हैं कि बच्चे का जो है बाल चढ़ा दिया जाए, तो हमने जो है यहाँ पे बाल चढ़ाया। पूजा शर्मा, दर्शन करने से अभी 3 महीने बाद लगभग मंदिर खुला है जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन हो गया? जी जी। मेरा नाम गोपाल सिंह है वैसा। आज हम लोग को बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, और पूरा दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, और बाबा गोरखनाथ बाबा का आशीर्वाद लिया गया। आज लॉकडाउन के बाद बड़ी यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी रही, सैनिटाइज किया गया, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गोरखनाथ बाबा जी का बहुत अच्छे तरीके से दर्शन किए। ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा, और बहुत अच्छा, बहुत खुशनुमा माहौल है, बहुत अच्छा फील हो रहा है जी। ये मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है, और जो भी लोग यहाँ आते हैं सभी मनोकामना उन लोगों का पूरा होता है, और सभी लोग यहाँ आके जो है बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, और बाबा गोरखनाथ बाबा का सपरिवार दर्शन करते हैं, और बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही अच्छा मंदिर है भगवान गोरखपीठ का मंदिर है। पूनम सिंह, बहुत अच्छा लगा। हम लोग बहुत दिन से परेशान थे मंदिर आने के लिए, तो आज आके बहुत, और सबसे बड़ी बात यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, साफ़ सफाई और जिस तरह से जांच हो रहा है वहाँ, हर सैनिटाइज किया जा रहा है, ये सब व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। कितने दिन बाद आपने यहाँ पर दर्शन करने? फरवरी में आए थे सर, उसके बाद फिर आ जाए हैं। मेरा नाम योगी सूरजनाथ जी है। महाराज जी के बताए अनुसार नियम से मंदिर खुला है, उसका नियम ये बना है, यहाँ पे वो भभूति रख दिया गया है, बाहर से लोग अपने हाथ से ही टीका चंदन कर करके दर्शन करने के बाद जाएंगे, यदि कोई प्रसाद लाता है तो अपने हाथ से ही वो प्रसाद निकाल करके यहाँ रख देंगे, वहाँ डब्बा कर दिया जाएगा, रख देंगे, उसके बाद भभूति लगा करके वो स्वयं जाएंगे। हम लोगों को न तो उनको टीका लगाना है, न कोई प्रसाद के ही चक्कर में पड़ना है, बस केवल यहाँ बैठ करके देखभाल करना है। ये तो मंदिर सफाई सफेद हो गया, कल अभी सफाई हो गया, और यात्री के लिए प्रसाद नहीं चढ़ाना है, टीका नहीं लगाना है, जो भी पैसा डाल पत्र रहेगा उसको छूट हाथ नहीं लगाना है, यात्रियों को सादा ऐसे रहेगा, सभी जगह सामान रखा गया है प्रसाद चढ़ाने के लिए, क्योंकि रखा गया है भगवती भी अलग रखा गया है, उसको अपने हाथ से लगाएंगे, कोई भगवती देंगे नहीं, सभी खुशी मंदिर में नहीं देंगे। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किन किन नियमों का पालन करना है? वहाँ से वो सिर लगाना पड़ेगा, मुँह और मुँह मांस लगाना पड़ेगा, और कायदे जो मंदिर में व्यवस्था की है उसको करने कायदे पालन करना पड़ेगा। प्रसाद की प्रक्रिया का कैसे प्रसाद दिया? प्रसाद वो तो अपने हाथ चढ़ाएंगे, लोग नहीं चढ़ाएंगे, पुजारी नहीं चढ़ाएंगे, तो अपने हाथ से उसमें सामान रखा गया उसमें डाल देंगे, भगवती अपने हाथ से लगाएंगे, वही सामान अपने महात्मा पुजारियाँ कुछ छोड़ेंगे नहीं उसको।